थर्टीज फोर्टीज में जब केएल सहगल का सितारा चमकता था, ऐसे वक्त में एक ऐसा गायक उभरा जिसने मेल प्लेबैक सिंगिंग का सिनेरियो ही बदल दिया। उस वक्त जब सब सहगल साहब के स्टाइल को कॉपी कर रहे थे, उस गायक ने अपने अलग अंदाज से ऐसी पहचान बनाई कि फिर उनके नक्शे कदम पर बहुत से नए गायक भी चले। वो एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर थे जीएम दुर्रानी, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायक अपना आइडल मानते थे और कह सकते हैं कि वो अपने ज़माने के मोहम्मद रफ़ी थे। इस वीडियो में उनकी ज़िंदगी और सिनेमा के उस दौर से जुड़ी कई ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो शायद आप ना जानते हों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा लें ताकि सभी नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और कुछ भी मिस ना हो। कांच सीने पे जो रख दो तो करारा जाए, नजर फेरो न हमसे, हम है तुम पर मरने वालों में। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना। गुलाम मुस्तफा दुर्रानी, जिन्हें सिने प्रेमी जीएम दुर्रानी के नाम से जानते हैं, 40s और 50s की शुरुआत तक भी प्लेबैक सिंगिंग में छाए रहे। इंडस्ट्री में आने के कुछ ही सालों में वो इतने मशहूर और कामयाब हो गए थे कि उन्हें अपने ही दोस्तों की जलन का शिकार होना पड़ा। 1919 में पेशावर में जन्मे जीएम दुर्रानी एक पठान थे। यूं तो उनकी मातृभाषा पश्तो थी, लेकिन वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेते थे। वो एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थे, जहां फिल्मों को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था। पेशावर में वो जिस पेंटर के यहाँ काम करते थे, वो हमेशा संगीतकार रफ़ीक गजनवी के गाने गुनगुनाते रहते थे। उन्हें सुनते सुनते जीएम दुर्रानी को भी गाना गाने का शौक़ हुआ और वो भी गाने लगे, गुनगुनाने लगे। और जब उन्हें अपने साथियों से प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने बिना देखे, बिना मिले रफ़ीक गजनवी को अपना गुरु मानकर गाने का रियाज करना शुरू कर दिया। उनके आसपास के जानने वाले अक्सर कहा करते थे कि इस लड़के को तो बम्बई जाकर हीरो बन जाना चाहिए। इन्हीं बातों से बम्बई जाने का शौक़ पैदा हो गया। उन्हीं दिनों उनके पिता ने उन्हें अपने एक दोस्त की मोटर पार्ट्स की दुकान पर काम पर लगा दिया। वहाँ उनका बिल्कुल दिल नहीं लगता था, लेकिन पिता बहुत सख्त थे, उनसे कुछ कह नहीं सकते थे। इसीलिए एक दिन जेब में सिर्फ 22 रुपये लेकर मुंबई भाग आए। जब पैसे ख़त्म होने लगे तो काम करने का ख्याल आया और फिर थोड़ी सी कोशिश से उन्हें फिल्म स्टूडियो में नौकरी मिल गई। उन्होंने 2-1 फिल्मों में अभिनय भी किया, मगर ये काम उन्हें भाया नहीं। और जब उन्होंने एक्टिंग करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिल्म स्टूडियो की नौकरी छूटने के बाद उन्हें किसी तरह मुंबई रेडियो स्टेशन में ड्रामा आर्टिस्ट का काम मिल गया। रेडियो पर उनकी मुलाकात संगीत के क्षेत्र की कई हस्तियों से होती थी। संगीत के बड़े जानकार वहां आते थे। उनके साथ बैठकर, उन्हें सुनकर, उन्हीं की संगत में जीएम दुर्रानी ने गायन की बारीकियां सीखी और किस्मत उन्हें एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री तक ले गई। उनकी आवाज़ सुनकर एक्टर फिल्म मेकर सोहराब मोदी काफ़ी प्रभावित हुए और 1935 में उन्हें मिनर्वा मूवी टोन में नौकरी मिल गई। 1936 की फिल्म सईद हवस में जीएम दुर्रानी को मौका मिला एक गजल गाने का। गाने की रिहर्सल तक सब ठीक था, यहाँ तक कि संगीतकार बुंदू खान ने भी उनका गाना सुनकर वाह वाह की, मगर कैमरा के सामने गाने के ख्याल से ही उनके पसीने छूट गए। जब उन्हें दरबारी पोशाक पहना कर ढेर सारा मेकअप लगाया गया तो वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं थे, लेकिन शूट तो करना था। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उन्होंने गाना शुरू किया, तभी कट की आवाज़ आई। संगीतकार कह रहे थे कि ऊंचा गाओ, लेकिन ऊंचा गाने से आवाज़ फटने का डर था। पर जैसे तैसे वो शूट पूरा हुआ और उनकी जान में जान आई। लेकिन ज़िंदगी उन्हें रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री के बीच घुमाती ही रही। ये दो जगह जैसे उनके दो घर बन गए थे। एक बार फिर फिल्मों का साथ छूटा और इस बार वो पहले दिल्ली रेडियो पहुँचे और फिर वापस मुंबई आए। उस समय उनकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोगों ने उन्हें फिल्मों में गाने की सलाह दी। और जब किस्मत में कुछ लिखा हो तो रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उन्हें भी फिर से एक बार फिल्म में गाने का ऑफर मिला। उस फिल्म में संगीतकार थे रफ़ीक गजनवी, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे।
वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, मगर उस वक्त तक वो रेडियो पर 70 रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे और उन्हें प्राइवेट रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं थी। किसी को पता चलता तो उनकी नौकरी जा सकती थी। तो तय ये हुआ कि रिकॉर्ड्स और फिल्म क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी छुट्टी वाले दिन रात के वक्त की गई थी ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें देख ना ले। ये फिल्म थी 1940 में आई बहुरानी। उस एक रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें 75 रुपये मिले थे और ये उनकी पसंद का काम भी था, इसीलिए उन्होंने कुछ समय बाद रेडियो की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह फिल्मों से जुड़ गए। एक ज़माने में उनकी मुलाकात उभरते हुए संगीतकार नौशाद अली से हुई थी। वो मुलाकात फिर जान पहचान में बदली और नौशाद ने 1941 की फिल्म दर्शन के गाने उनसे गवाए। इस फिल्म में हीरो थे प्रेम अदीब और हीरोइन थी ज्योति, जिनका असली नाम था सितारा बेगम। ज्योति इस हैंडसम गायक पर फिदा हो गई और दोनों का ये प्यार जल्दी ही शादी में बदल गया। 1941 की ही बात है, जब उनकी शोहरत बढ़ती जा रही थी तो उनके एक दोस्त जो खुद एक जाना माना नाम थे, उन्होंने जीएम दुर्रानी से पान खाने की गुजारिश की। जब उन्होंने मना किया तो उस दोस्त ने दोस्ती का वास्ता दिया। दोस्ती की खातिर उन्होंने पान की गिलौरी मुंह में रख ली, लेकिन जैसे ही पान का रस गले से नीचे उतरा उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत वो पान पीकदान में उगल दिया। वो दोस्त भी शायद अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा थे, इसलिए वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद जीएम दुर्रानी उस पीकदान को लेबॉरेट्री ले गए और टेस्ट कराने पर पता चला कि अगर वो वक्त पर पान नहीं थूकते तो शायद फिर कभी गा नहीं पाते। उन दिनों के अखबारों में भी इस घटना की बहुत चर्चा हुई थी। बाद में एक मैगजीन में ये पूरा वाकया छपा था। जीएम दुर्रानी और लता मंगेशकर के बीच हुई अनबन को लेकर एक वाकया सुनने में आता है। ये बात है फिल्म चांदनी रात के एक गाने की रिकॉर्डिंग की। संगीतकार नौशाद के साथ लता मंगेशकर की ये पहली फिल्म थी। लता जी जब डुएट रिकॉर्ड करने पहुंची तो जीएम दुर्रानी उनसे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगे। शायद ये उनके नेचर में था। वो एक हैंडसम आदमी थे और उस वक्त इंडस्ट्री के कद्दावर लोगों में उनका नाम शामिल होता था, लेकिन लता मंगेशकर को उनकी बातें पसंद नहीं आई और वहां से वो बिना रिकॉर्डिंग किए तुरंत चली गई, बिना इस डर के कि वो इंडस्ट्री में नहीं है और उनका ये कदम नौशाद जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को नाराज भी कर सकता है। साथ ही उन्होंने फैसला ले लिया कि वो कभी भी जीएम दुर्रानी के साथ नहीं गाएंगी। वो गाना था हालांकि रिकॉर्ड्स पर लता मंगेशकर और जीएम दुर्रानी का नाम लिखा मिलता है, मगर ये गाना असल में लता जी और सादत हसन नाम के गायक की आवाज़ में है। जीएम दुर्रानी के लिए 40 का ये दशक हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसी दशक में उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 1942 में आई नई दुनिया में उन्होंने गाना तो गाया ही, वो इसके सहायक संगीतकार भी थे। इस फिल्म में राजकुमारी के साथ उनके डुएट काफ़ी पसंद किए गए और फिर उसके बाद इस जोड़ी के कई मशहूर गाने आए। उनका पहला मशहूर गाना माना जाता है 1942 में आई फिल्म शारदा का। लेकिन जब 1943 में नई कहानी फिल्म आई तो उसमें उनका गाया ये गाना इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद से उनकी शोहरत बढ़ती ही चली गई। उस दौर में जीएम दुर्रानी, म्यूजिक डायरेक्टर खुर्शीद अनवर और गीतकार डीएन मधोक, इस तिकड़ी ने कई मशहूर गीत दिए। 1941 से 1951 के बीच जीएम दुर्रानी ने करीब 500 गाने गाए। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें 1943 की अंगूरी, 1943 में ही आई विजयलक्ष्मी, 1944 की भाग्यलक्ष्मी और 1946 में आई धड़कन में उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी के नाम से संगीत दिया। 1961 में आई किस्मत पलट के देख और स्टेट एक्सप्रेस में उन्होंने गुंजन नाम से संगीत दिया। नौशाद के अलावा खुर्शीद अनवर, शंकर राव व्यास, हुसनलाल भगतराम, सज्जाद हुसैन, एआर कुरैशी, श्याम सुंदर, पंडित अमरनाथ, एसडी बर्मन जैसे उस समय के लगभग हर संगीतकार के लिए जीएम दुर्रानी ने गाने गाए। राजकुमारी, अमीरबाई कर्नाटकी, नूरजहां, शमशाद बेगम के साथ उन्होंने कई हिट डुएट दिए।
गीता दत्त के तो सिंगिंग करियर की शुरुआत ही जीएम दुरानी के साथ हुई थी। आप शायद जानते हो मोहम्मद रफी ने अपने करियर का पहला हिंदी गाना जीएम दुरानी के साथ ही गाया था। ये वो वक्त था जब जीएम दुरानी मोहम्मद रफी की सिफारिश करते थे, और फिर एक वक्त वो आया जब रफ़ी साहब की सिफारिश पर उन्हें 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं में गाने का चांस मिला। हमको हंसते थे जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहां। वो जब हज के लिए गए थे तो वापस आने पर भी उसी असर में रहे। अपने पीक टाइम पर होते हुए उन्होंने गाना बजाना फिल्म इंडस्ट्री सब छोड़ दिए। उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनका दिल सब दुनियावी चीज़ों से उड़ गया था। उनके पास जितना पैसा था वो सब भी उन्होंने गरीबों में बांट दिया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। तब उन्होंने गुजर बसर के लिए किसी से उधार लेकर एक परचून की दुकान खोली, पर हालात बिगड़ रहे थे। ऐसे में रफ़ी साहब ने फिर से काम दिलाने में उनकी काफ़ी मदद की, लेकिन गया वक्त लौट कर नहीं आता। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी गाने गाए, पर फिल्मों का फ्लेवर बदल रहा था, नए सिंगर्स आ गए थे, और सच तो ये है कि उनका वक्त चला गया था। 1966 में आई सुनहरे कदम उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। फिल्मों के अलावा उनके गाए बहुत से नॉन फिल्मी गीत और भजन भी मिलते हैं। 1982 में उन्हें गले का कैंसर हुआ और 8 सितंबर 1988 में उनकी मौत हो गई। हम लोग, मगरूर, शमा, नमस्ते, सबक जैसी कितनी ही फिल्मों में उनके गाए गीतों ने धूम मचाई थी, मगर वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि सारी शोहरत भाप बनकर उड़ गई। आज शायद ही कोई जानता हो कि मोहम्मद रफ़ी से पहले भी कोई ऐसा गायक था जिसने अपनी अलग पहचान बनाई और जो हमारे आइडल का आइडल था। पर इतना ज़रूर है कि जब जब फिल्मी गायकों की बात होगी तो जीएम दुरानी के नाम को विंटेज एरा के गायकों में ज़रूर शामिल किया जाएगा।